आए क्या हुआ? तुम इतनी थकी हुई सी क्यों लग रही हो? और चेंज कांड भी तुम ज्यादा फ्रेश लग रहा है, क्या हुआ? दो दिन के प्रोजेक्ट्स आज एक दिन में खत्म किए हमने। इतनी सारी टाइपिंग इतनी स्पीड में कभी नहीं की होगी। थक गए हैं पर ठीक ही है, ये डेडलाइन मिस करके हमारी बॉस प्रियल के ताने नहीं सुनने थे हमें। और तो फ्रेंड्स, हम यह बता दें कि जब राधिका ऑफिस से अपने घर जा रही थी, तभी सोसाइटी के एम्बेंस में राधिका को रिंकू मिलता है और वह बोलता है, बोला आज तुम बहुत परेशान लग रही, तुमसे ज़्यादा तो जो सोसाइटी के गार्ड हैं वह फ्रेश लग रहा है। तो फ्रेंड्स राधिका बोलती है, बोला आज हम बहुत थक गए हैं क्योंकि हम दो दिन के वो काम आज अकेले एक ही दिन में किए हैं और हम डेडलाइन मिस करके बहुत बड़ी गलती की और बॉस से डांट भी सुने। अगले बार से हम इस तरह के डेडलाइन मिस नहीं करेंगे। इतना फास्ट टाइपिंग हम पहली बार किए और पता नहीं, और हम थक गए हैं पूरा, लेकिन फिर भी ठीक है। तो फ्रेंड्स, क्या राधिका को ऐसा क्यों करना पड़ा? आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दीजिएगा और आगे क्या होता है ये देखने के लिए आप लोग ना भूलिएगा। फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं एक न्यू अपडेट के साथ।